देखो कितनी जल्दी जो टाइम खत्म हो गया पता ही नहीं चला। कैसे 6 बजे की पता ही नहीं चल गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ उसकी 6 नहीं बजे उसकी तो 12 बज गई। यही रह लो क्या दिक्कत है। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट वेयर नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। चलो यहां पर अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल भी निकाल लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, भाई पॉइंट आने के बाद इक्वेशन निकालने में क्या दिक्कत आ रही थी, तो इजी है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले इसको रफली अपन समझते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। सपोज इस पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल आपका पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट किस पॉइंट से पास हो रही है 1, 2 से नॉर्मल। ऐसा देखो तो सबसे पहले तो डिफरेंस कर लो, 2x इक्वल टू 4 dy और dy dx आ गया x by 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -2/x। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया -2/x। यहां तक कोई दिक्कत, और x की जगह x1 लिख दो 2/x, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अच्छा ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल दो पॉइंट से पास हो रहा है y2 - y1 / x2 - x1, तो ये हो गया 2 - y1 / 1 - x1। ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर दो। -2 + 2x1 = 2x1 - x1 y1, 2x1 से 2x1 कैंसिल हो गया तो x1 y1 की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई x1 y1 की वैल्यू 2। यहां से भाई आपका कर्व था x1 स्क्वायर इक्वल टू, उसमें पॉइंट रखा आपने, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई यहां से, अब x1 स्क्वायर / 4 कुछ भी, तो x1 स्क्वायर / 4 x1³ = 8, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2 और x1 की वैल्यू 2 आ गई तो y1 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये तो पॉइंट आ गया भाई, पॉइंट क्या आ गया 1, 2, पॉइंट आ गया आपका 1, 2। पॉइंट आ गया 2, 1। अब ये पॉइंट आ गया, अब देखना भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y - y1 x - x1 और स्लोप यहां से निकलोगे टेंजेंट का, कहां गया टेंजेंट का स्लोप, ये रहा 2 रखोगे तो 1, x - y = 1, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - 1, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 हो गया, तो x + y = 3, दिस इज द स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है। क्यों टेंजेंट में तो स्लोप ही होगा ना,
ये थोड़ी है स्लोप, इसमें ये तो नॉर्मल का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप तो बनो। नेक्स्ट find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent to the curve dx square minus y square equal to 8 which passes through the point comma 0, sab yaad hai mujhe pata hai, through point 4/3 comma 0। ये तीन प्रॉब्लम बनती है भाई, ये बिल्कुल तीनों प्रॉब्लम सेम टाइप की है, 4/3 कोमा 0। डीवाई बाय डीएक्स निकाल लो, 6x माइनस 2y डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू 0। तो डीवाई डीएक्स आ गया 3x अपॉन y, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 अपॉन y1, 3x1 अपॉन y1, ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यों, क्योंकि टेंजेंट कितने पॉइंट से पास हो रहा है, एक तो x1 y1 से हो रहा है और एक 4/3, 0 से हो रहा है, देखो इस तरह से ये x1 y1 और 4/3, 0 तो ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आ गया 0 माइनस y1 4/3 माइनस x1। अब ये किसके इक्वल हो गया, इसके 3x1 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x1 माइनस 3x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस y1 स्क्वायर, तो 4x1 स्क्वायर एक हो गया 3x1 स्क्वायर माइनस, बेटा x1 y1 इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसको करेगा तो 8 आएगा, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 2, x1 का वैल्यू 2 आ गया, अब x1 का वैल्यू 2 आ गया आपके पास, y1 निकाल लेंगे, तो 3 × 2 का स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू प्लस माइनस, तो दो पॉइंट आ गए, एक तो 2, 2 आ गया और एक 2, -1, ये दो पॉइंट आ गए। अब हम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, समझ में आ गया यहां तक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x y माइनस टू स्लोप 3x1 अपॉन y1, इसमें रखो भाई 3, ये पहली इक्वेशन होगी, सोल्व कर लेना, दूसरी में रखोगे y + 2 x - 2 स्लोप -3, तो ये दूसरी इक्वेशन होगी, सो दीज आर द टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, डाउट चालू करें, थोड़ी देर अपन ब्रेक दे देते हैं, जिसको डाउट नहीं हो घूमया हो खाया हो, और अपन चालू करेंगे वापस से 2:15 पर, जब तक मैं डाउट बता रहा हूं जिसके डाउट से, अरे 2:15 पर वापस चालू करेंगे।